एक टाइम पे जब मेरी फर्स्ट जॉब थी तो उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकली टैक्सिंग हो गया था, मतलब शिफ्ट रोटेशन और ये वो बहुत सारी बहुत दिक्कत होती थी, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता था। तो फिर मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, अब मैं जॉब छोड़ दूँ, मैं जॉब चेंज करूँ, या मैं अपनी फील्ड ऑफ वर्क ही चेंज कर लूँ, मतलब प्रोफेशन ही बदल लूँ, मैं एजुकेशन में चला जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें सोची मैंने। अपने दोस्तों से भी यहाँ पे जो बैठे सारे सब लोगों के साथ बहुत सारी बातें भी करी कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। बट फिर अल्टीमेटली मेरे सामने एक ऑप्शन आया जो कि बहुत ही अनकन्वेंशनल था। एक छोटी कंपनी थी जिसके जिसके मतलब सिंक्रोनिसिटी से मुझे उसमें एक ओपनिंग मिली और मुझे उसका उसका एक जॉब ऑफर मिला। मैंने वो ज्वाइन किया इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ डिसेंट फ्रॉम माई कलीग्स एंड माई सीनियर्स। जैसे सपोज एक इंडस्ट्री में लोग क्या क्या करते हैं, अगर सपोज किसी को ज़्यादा नहीं पता फ्रेशर्स हैं या नए हैं तो अपने सीनियर्स से पूछते हैं कि ये जॉब है लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या फिर अपने कलीग से पूछते हैं कि क्या लगता है क्या करना चाहिए। सबके सब नॉट नॉट इवन वन पर्सन, किसी एक ने नहीं बोला कि गो अहेड एंड डू दिस जॉब। बट मेरे अंदर से था कि इंट्यूशन इतना स्ट्रांग था कि मुझे यही करना है, एंड आई डिड दैट एंड इट वर्क फॉर मी। मेरे लिए उस चीज़ ने काम किया और मुझे पता है कि अगर मैंने तभी वो चॉइस नहीं ली होती तो आई डोंट थिंक इतना सेटिस्फाइड होता मैं अभी। जितना भी मतलब आई वोंट से आई एम 100% सेटिस्फाइड वेयर आई एम, बट कंपेयर अगर मैं करूँ तो नहीं होता इतना, दैट आई एम प्रिटी श्योर। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि मुझे अपना दिमाग कैसे ओपन रखना है टू ऑप्शंस, टू सजेशंस, टू चॉइसेस, बट एट द सेम टाइम फॉलो योर फीलिंग, गट फीलिंग, जो भी अपना इंट्यूशन होता है वो बहुत ज़रूरी है। सुननी सबकी है लेकिन करनी अपनी, अपनी करनी है, ऐसा मतलब नहीं है कि अपने दिमाग की करनी। सब ये बोलते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी, इसका मतलब अर्थ सही से समझते नहीं है लोग। लोग सोचते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे दिमाग में जो आता है वो करो, नहीं है, तुम्हारे जो आत्मा की आवाज़ है वो जो बोलती है वो करना है। आत्मा की आवाज़ क्या होती है? इंट्यूशन। इंट्यूशन कैसे आती है? ध्यान करने से मजबूत होती है। यू बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर इंट्यूशन एंड योर थॉट्स एंड योर माइंड्स प्रोजेक्शन। बहुत ही थिन लाइन होती है बहुत शुरुआत में, आपको लगेगा कि मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, फिर वो धीरे धीरे वो गैप बढ़ने लगता है। देन यू विल बी क्लियरली एबल टू पॉइंट आउट अ फिंगर कि हाँ ये इंट्यूशन है, दिस इज माई माइंड, एंड इट हैपेंड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मेरे साथ पहले मुझे पता नहीं चलता था कि ये मेरा दिमाग है, मेरे थॉट्स हैं, या वाकई में मेरे अंदर से कोई आवाज़ आ रही है जो मुझे बता रही है, मुझे गाइड कर रही है कि मुझे ये करना चाहिए। लिसन टू वन एंड ऑल एंड बी रिसेप्टिव। सबकी सुनो और रिसीविंग मोड में रहो, वेलकम न्यू आइडियाज। अब जैसे यहाँ पे पिरामिड के अंदर ध्यान कर रहे हैं हम लोग, इससे रिवोल्यूशनरी आइडिया कुछ हो सकता है? बताइए। मतलब लोगों का पहला पिरामिड आता है दिमाग में, तो सबसे पहले आता है इजिप्ट, और ध्यान का मतलब आता है कि दाढ़ी वाले बाबा जी और ज्ञान, और दोनों में से कोई भी चीज नहीं है एक्चुअली में ये है। तो पिरामिड क्या करता है? आपके ध्यान की एनर्जी को मैग्निफाई करता है। ध्यान आपको ध्यान की अवस्था जल्दी प्राप्त होती है। आपको बेनिफिट जो 30 मिनट में मिलना होता है वो 10 मिनट में मिल जाता है। लेकिन ये कैसे हुआ? ये एक नई आइडिया है, रिवोल्यूशनरी आइडिया है। कोई अगर आप बहुत ही क्लोज्ड माइंड या फिर एक बहुत ही रिजिड माइंडसेट के साथ अगर आप इस चीज़ को अप्रोच करते, जब जिस किसी ने भी आपको यहाँ पे बुलाया होगा या बोला होगा इस जगह के बारे में, तो आपने पहले क्या बोला होगा कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने का, या मुझे कोई शौक नहीं है इस चीज़ को करने का। बट सिंस ऑल ऑफ यू हैड एन ओपन माइंड, यू वेलकम अ न्यू आइडिया, तो आप लोग यहाँ पर हैं। अब मोस्टली क्या होता है, कई बार हम लोग डेडलॉक सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हमको कुछ सोल्यूशन नहीं नजर आता। क्या होता है कि बिल्कुल हर तरीके से रास्ता बंद, अब क्या करें? तो अब हर तरीके से हर तरफ से जब रास्ता बंद है, आप एक बॉक्स में बंद हो चुके हो, तो बॉक्स के बाहर से सोचो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करके सोचो।
पर्सनली आप उस सिचुएशन में हो, इस चीज को नहीं सोचना। अब जैसे मैं जब अपनी जॉब का एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने जब वो नया जॉब लिया तब मैंने कैसे सोचा आउट ऑफ द बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन दैट। अगर मैं अपनी रेगुलर वही अपने पैटर्न वाली थिंकिंग में रहता जो नॉर्मल इंसान की होती है, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है इंसान का वो रेगुलर पैटर्न्स में चलता है, ये सबको पता होगा। आप जिस तरीके से कोई चीज़ करते आते हैं उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो रिपीटेटिवली इतनी इम्प्रिंट हो जाती है हमारे माइंड के अंदर कि वो अनकॉन्शियसली वही चीज़ करते रहते हैं। कभी आप ब्रश करते हैं सुबह उठ के, तो कोई कॉन्शियसली करता है ऐसे ऐसे ऐसे, और अपने आप हाथ चलता है सबका। आधे नींद में भी लोग होते हैं तो ऐसा कर रहे होते हैं, कैसे होता है वो? कोई ड्राइव करता है, इंसान जब पहली बार ड्राइव करना सीखता है तब कॉन्शियसली ड्राइव करता है, उसके बाद हाँ साथ में म्यूजिक सुन रहा है, गाने चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और साथ में ड्राइव भी कर रहे हैं, वो चीज़ अनकॉन्शियसली हो रही है। आपका एक कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, एक सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। जब आप कोई हैबिट फॉर्म कर रहे होते हैं तो वो कॉन्शियस ब्रेन में होता है, कॉन्शियस माइंड में होता है। जब उस चीज पे अब जैसे स्टिचिंग होती है, एक एक टांका लग गया, दो टांके लग गए, तीन चार पांच, दर्जी क्या करता है फिर लास्ट में ऐसे खींच के देखता है टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, उसके बाद काटता है धागा। जब बटन लगता है किसी भी कमीज पे तो यही होता है ना, सुई से धागा टाइट किया जाता है, फिर लास्ट में ऐसे टग करके चेक करता है कि सही हो गया कि नहीं, फिर लास्ट में काटता है। तो वो टग ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी हर एक पैटर्न ऐसे ही होता है, टग हो गया, पैटर्न सेट, चलो अब सबकॉन्शियस में। तो सबकॉन्शियस में फिर वो ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। अभी जितनी यहाँ पे माताएं हैं या जो वुमेन है वो लोग कुक करती है खाना, अब सपोज जो रेगुलर कुक करती हैं तो उनके लिए इट्स लाइक केक वॉक, कुछ करना ही नहीं, सोचना ही नहीं है, खाना वैसे बनता है। अब जो कभी भी खाना नहीं बनाता है वो प्याज काटेगा ऐसे, फिर टमाटर काटेगा ऐसे धीरे धीरे, तो कॉन्शियस एफर्ट लगता है उस चीज में। बताने का मकसद ये है कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कैसे काम करता है। तो अनकॉन्शियस वाला जो चीज होता है वो हमारे दिमाग में ज्यादा होता है, हमारे लाइफ में ज्यादा होता है, तो उस पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी है। आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है, अब ये चीज मैं कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे नहीं करता तो कैसे करता। जैसे मैंने जॉब लेनी है तो ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू दे दिया, सैलरी नेगोशिएट कर ली, जॉब डिस्क्रिप्शन पूछ लिया, ओके ज्वाइनिंग लेटर भेज दो, मैं आ जाता हूँ जहाँ तुमने मुझे बुलाना है, तो ये नहीं करना है। तो अब यहाँ पे क्या है, तो नया जॉब है, नया तरीके का रोल है, मैंने ऐसा काम कभी पहले किया नहीं है। सपोज कोई मतलब आउट एंड आउट कॉर्पोरेट में है और उसे एजुकेशन सेक्टर में ड्रॉप कर दिया जाए तो कैसा हो उसके लिए, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ऐसा कभी किया नहीं है बट चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है, करने का मन है, उससे क्या हो जाएगा, मतलब नई चीज़ें सीखने ही मिलेगी। यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर ओल्ड पैटर्न और योर ओल्ड थिंग, पुरानी जो चीज़ कर रहे थे वो तो कर ही सकते हैं, बट ये एक चांस है नया कुछ करने।